Good morning, students. Today we are going to read the last and the second part of the chapter, A Letter to God. It is from our book, First Flight. In the first part of the chapter, we read about a farmer named Lan Chou who hopes for good rain so that he can get good crop. And as he hopes, it started rain, but after some time along the rain it started hailstorm, and his hope and his corn gets destroyed, and he becomes so despair that he thinks that whole year he and his family will get hunger and they will die of hunger. But what happened next, let's read in the this part of the lesson. अब क्या होता है, वो निराश हो जाता है और Lan Chou सोचता है कि अब आगे क्या होगा, इस पूरे साल वो भूख से मर जाएंगे. लेकिन आगे क्या होता है ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. वो सब निराश तो हो जाते हैं, लेकिन उस वैली सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, उस पूरी घाटी के बीच में जो एकमात्र अकेला घर था, Lan Chou का घर था, और उस घर के अंदर रहने वाले सभी लोगों के दिल में, सभी के मन में एक ही बात होती है, एक होप होती है. देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र ये होप होती है कि हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उनको कहाँ से मदद मिलेगी, भगवान से, कि भगवान कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा करेगा. तो निराश नहीं होते हैं बल्कि वो भगवान से कुछ उम्मीद रखते हैं. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. वो कहते हैं कि देखो इतने अपसेट नहीं होना है, इवन दो, हालांकि दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है हालांकि ये टोटली लॉस तो हो गया है, उनकी सारी क्रॉप ख़त्म हो गई थी, रिमेंबर, लेकिन फिर भी याद रखें नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से कभी नहीं मरता है. ईश्वर ने हमें अगर रखा है, जीवन दिया है, तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं. दैट्स वॉट दे सी, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्या कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात Lan Chou थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. वो Lan Chou पूरी रात अपनी उस एकमात्र होप के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो होप थी भगवान से मदद की उम्मीद. हुज आइज, जिस भगवान की आँख है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे हमेशा से सिखाया गया, ये शिक्षा दी गई कि भगवान की आँखें जो होती हैं सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख सकती है. हम भी जानते हैं ये बात, इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि हमारे अंतःकरण में, हमारे मन के अंदर क्या है, जहाँ कोई देख नहीं सकता, वहाँ भी भगवान की आँखें देखती हैं कि हर इंसान के मन में क्या चल रहा है, वो भी भगवान को पता होता है. तो भगवान हमें हमारी स्थिति भी देख रहे होंगे, इसलिए उन्हें भगवान से उम्मीद होती है. Lan Chou वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, Lan Chou ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी एक बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सन था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो अपने खेतों में एनिमल्स, जानवरों की तरह, जैसे पशु काम करते हैं उन्हीं की तरह वो भी अपने खेत में काम करता था. कोलू का बैल होता है, दिन भर काम करता रहता है, वैसे ही Lan Chou भी दिन भर अपने खेत में काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इतना वो हार्डवर्क करता था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि लिखना कैसे है, लिखने की ट्रिक उसे अभी भी आती थी. द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, जैसे ही डॉन टाइम हुआ, डे ब्रेक यानी सूर्य उदय का समय हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिस पत्र को वो खुद ही अपने टाउन तक लेके जाएगा एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल करेगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कोई खास ऐसा नहीं था, बस एक लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा गया एक पत्र था, इसके अलावा और कुछ नहीं था. गॉड ही रोट, उसने लिखा पत्र में कि भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे मर जाएंगे. I need 100 paise in order to sow my field again. मुझे 100 paise की ज़रूरत है. पैसों मीन्स ये करेंसी है फिलीपींस की.
फिलीपींस कंट्री, वहाँ की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ 100 पैसे मिलके एक रुपया बनता है, तो वहाँ 100 सेंट्स मिलके एक पैसो बनता है। तो उसने 100 पैसों की डिमांड की भगवान से टू सो माय फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत को वापस बो सकूं, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक हमारी वापस फसल नहीं उग जाती है, आ जाती है, तैयार नहीं होती है, तब तक हम सब जीवित रह सके, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। फिर उसने सारा रीज़न लिखा, लिखता रहा कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ये जो हेल स्टॉर्म हुआ था उस वजह से हमारी फसल नष्ट हो गई, ये सारा कुछ उसने बाद में लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने उस एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखा, लिखना लिखते हैं ना एनवेलप के ऊपर कि भाई ये किसको भेज रहे हैं हम, वहाँ उसने लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड इट, एड्रेस की जगह भगवान का नाम लिख दिया, और फिर उसने उस लेटर को इनसाइड कर दिया, उस एनवेलप के अंदर डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो थोड़ा ट्रबल्ड था, वेंट टू टाउन, और अपने उस टाउन की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचा जहां उसे मेल करना था लेटर को, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाया, ऊपर टिकट लगाते हैं ना लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर उसने मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया, जो रेड कलर का लेटर बॉक्स होता है उसके अंदर उसको मेल बॉक्स में डाल दिया लेटर को। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉय था, पोस्ट ऑफिस था, तो वहाँ का सारा कामकाज पोस्ट ऑफिस के वर्कर देखते हैं, तो वो जो एक एम्प्लॉय था वहाँ का, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस के अन्य कामों में भी मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, बहुत ही तेज और बहुत ज़्यादा हंसते हुए वो अपने बॉस की तरफ गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो पत्र अपने बॉस को दिखाया जिस जो कि भगवान के लिए लिखा हुआ था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने अपने पूरे आज तक के पोस्टमैन के करियर, जो भी अब तक का इतना सालों का जो करियर था, उस करियर में उसने ये एड्रेस कभी नहीं देखा था, और कोई देख भी नहीं सकते, भगवान का एड्रेस तो बहुत ही बाद में मिलता है हमें पता है। द पोस्ट मास्टर, और जो उसका बॉस था पोस्ट मास्टर, वो कैसा व्यक्ति था, अ फैट, एक मोटा फैट व्यक्ति था, एमिएबल, एमिएबल मीन्स बहुत ही एमिएबल फेलो था, यानी फ्रेंडली था वो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो खुद भी बहुत हंसने लगा, उसकी भी हंसी फूट पड़ी, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक हंसा, और लेकिन अचानक ही वो एकदम से तुरंत ही सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने उस लेटर को डेस्क पे टैप करते हुए रखते हुए उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता भगवान के लिए जैसा इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति का भगवान पर विश्वास है, काश हमारा भी ऐसा विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ करिस्पोंडेंस विद गॉड, डायरेक्ट उसने भगवान से ही पत्र विचार कर दिया, पत्र व्यवहार, करिस्पोंडेंस मीन्स पत्र का आदान प्रदान करना, तो उसने तो सीधा भगवान से ही पत्र विचार कर लिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब उसने ये कि भाई जिसने भगवान को पत्र लिखा है, भगवान पर इतना विश्वास किया है, उस इतना विश्वास कि उसे पता है कि भगवान से वापस मुझे रिप्लाई भी आएगा, इतना विश्वास करने वाले व्यक्ति के विश्वास को ना तोड़ने का तोड़ते हुए पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक दिमाग में आइडिया आया, आंसर द लेटर, आइडिया यह है कि भगवान खुद तो उसके पत्र लेंचो के पत्र का कोई जवाब दे नहीं सकते, तो हम ही उसके पत्र का जवाब भगवान की तरफ से देंगे। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने वो पत्र खोला, उसने सोचा होगा कि भाई कुछ गुड अच्छी बात या भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स वगैरह कुछ मांगी होगी, लेकिन जब उसने वो पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर, लेकिन जो कुछ उसने सोचा था कि भाई इतना कुछ होगा, इसका स्पष्टीकरण था कि आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर, उसकी जो साख है, ओ इंक और पेपर, इन सब के अतिरिक्त भी उसने कुछ और नीड किया था, उसकी नीडेड, उसकी जो डिमांड थी वो कुछ ज़्यादा थी, ओनली गुडविल इंक पेपर ये नहीं थी, उसकी डिमांड अलग थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन फिर भी वो पोस्ट मास्टर अपनी रेजोल्यूशन, जो उसने संकल्प लिया था कि उसकी मदद करूँगा, उससे वो अड़िग रहा। ही
asked for money from his employees. और उसके लिए उसने अपने employees जो थे उनसे भी पैसा मांगा. भाई उसकी उसे पता चल गया कि उसने 100 पैसों भगवान से मांगे हैं, तो 100 पैसों इकट्ठे करने थे, क्योंकि उसने कहा सोचा था कि मैं भगवान का की तरफ से उसकी मदद करूँगा. इसलिए उसने अपने एम्प्लॉयज़ से भी पैसे मांगे. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी खुद की सैलरी का एक पार्ट भी दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने बहुत सारे अपने मित्रों को भी ऑब्लाइज किया, उन पर दबाव डाला कि चैरिटी के नाम पर भी वो कुछ ना कुछ डोनेट करे. इस तरह उसने पैसा इकट्ठा किया लंचों के लिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, लेकिन फिर भी उसके लिए ये पॉसिबल नहीं रहा कि वो 100 पैसों एक साथ इकट्ठे कर सके. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो जितना उस किसान ने मांगा था उसकी डिमांड से आधे से कुछ ज़्यादा, मतलब हाफ तो हो गया लेकिन उससे भी मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा ही वो इकट्ठे कर पाया और उसे भेज पाया. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लंचो, उसने वो पैसा जितना कुछ इकट्ठा किया था उसको एनवेलप के अंदर डाला और उसके एड्रेस उस पर लिख दिया लंचो का. एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसके अंदर एक लेटर भी रखा जिसके ऊपर सिर्फ भगवान के नाम का सिग्नेचर था. ये भी नहीं कि भाई हमें पोस्ट मास्टर हूँ और मैंने इतने सारे लोगों से तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे किए, नहीं, उसने क्योंकि ये कहा था कि मैं भगवान की तरफ से ही उसको रिप्लाई दूंगा, इसलिए उसने अंदर सिग्नेचर के ऊपर भी भगवान का नाम ही लिखा. द फॉलोइंग संडे लंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और अगले संडे लंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आया, पोस्ट ऑफिस आया जल्दी देन यूजुअल, हमेशा के टाइम से थोड़ा पहले आ गया, टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान के वहाँ से मुझे जवाब आएगा. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और पोस्टमैन, वही पोस्टमैन, उसने खुद वो पोस्ट जो लेटर था लंचो को हैंड ओवर किया, उसको हाथ में पकड़वाया. वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि वो पोस्ट मास्टर जिसने उसकी हेल्प के लिए आइडिया आया जिसके दिमाग में और उतना पैसा इकट्ठा किया, वो पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस मैं बैठा बैठा उस कंटेंटमेंट को, उस आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर रहा था. जब वो पत्र उस लंचो को मिलेगा तो उसके चेहरे पर जो खुशी का भाव आएगा उसको देखना और अपने आप को आत्मसंतुष्टि महसूस करवाना, ये सब फील करने के लिए वो अपने ऑफिस में ही बैठा रहा. लंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, जब उसने लंचो ने पत्र देखा अपने नाम किया, भगवान की तरफ से अपने लिए लेटर आया देखा, अगर हम होते तो पता नहीं उछल कूदते, कुछ और ही हमारा एक्सप्रेशन होता, लेकिन लंचो ने कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया, वो कोई सरप्राइज भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ. ऑन सीइंग द मनी, पैसे जो उसके अंदर लेटर के एनवेलप के अंदर पैसे भी मिले उसे, तो भी वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो उसका कॉन्फिडेंस था, उसको विश्वास था कि भगवान मुझे मदद करेंगे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन ये क्या, जब उसने पैसे काउंट किए वो बहुत ही गुस्सा हो गया. भगवान की तरफ से उसे 100 पीसोस मिलने का था, उसने पक्का उसका कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास था कि भगवान मुझे मदद करेंगे, इसलिए उसको बिल्कुल भी सरप्राइज भी नहीं हुआ. लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने वो बहुत ही गुस्सा हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ना तो गलती कर सकते हैं, नोर कुड ही हैव डिनाइड लंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही लंचो ने जो रिक्वेस्ट किया था वो चीज़ उसे देने से मना कर सकते हैं. दोनों ही चीज़ें नहीं हो सकती थी, ना तो वो उसके को भगवान गलती कर सकते हैं और ना ही लंचो की डिमांड पूरी करने में का डिमांड पूरी करने का मना कर सकते हैं, ये दोनों बातें तो भगवान तो नहीं कर सकते. इमिडिएटली लंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और तुरंत ही लंचो वापस विंडो पे गया, वहाँ से उसने पेपर इंक लिया. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक की जो राइटिंग टेबल होती है वहाँ पोस्ट ऑफिस में कुछ काम करने के लिए, लिखने के लिए, उस टेबल पे गया. ही स्टार्टेड टू राइट, उसने फिर एक पत्र लिखना शुरू किया. विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, उसके आईब्रो में बहुत ज़्यादा रिंकल्स, बहुत झुरियाँ, सिल्वेट चेहरे पर भरते हुए,
caused by the effort he had to make to express his ideas. उसके जो आइडिया थे, उसके विचार थे, उसको एक्सप्रेस कर रहा था वो उस लेटर के अंदर. उस वजह से उसके चेहरे पर इतनी सिलवटें आ रही थी. When he finished, और जब उसने पत्र लिखना उसका पूरा हो गया, he went to the window to buy a stamp. वो फिर उस टिकट खिड़की पे गया स्टैम्प खरीदने के लिए. विच लिक्ड, जिस टिकट को उसने अपनी थूक से चाटा. एंड अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, और उसने उस स्टैम्प को उस एनवेलप के ऊपर अपने फीस्ट की ब्लो से अफिक्स कर दिया, चिपका दिया उसको, मुट्ठी मुक्का मार के उसको चिपका दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और जिस ही पल, जैसे ही जिस पल मतलब वो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाला, द पोस्टमैन वेंट टू ओपन इट. पोस्टमैन ने तुरंत ही वो लेटर निकाला और उसे ओपन किया. इट सेड, और उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि वो पैसा जितना मैंने आपसे जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसोज रिच्ड मी, मुझ तक तो केवल 70 पैसोज ही मिले पहुँचे हैं. मैंने आपसे 100 मांगे थे और मेरे पास केवल 70 ही पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, और इसलिए मुझे 30 पैसोस वापस भेजो, मतलब जो 30 बाकी रह गए हैं वो भी मुझे वापस भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ही ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप अगली बार ये जो 30 पैसोस भेजोगे वो मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है वो कौन है, बंच ऑफ क्रूक है, यानी ठगों का एक ग्रुप है ये. इन्होंने, आपने 100 पैसों भेजे थे लेकिन इन्होंने उसमें से 30 पैसोस रख दिए और मुझ तक केवल 70 पैसोस ही आए हैं, इसलिए जो रिमेनिंग 30 पैसोस आप भेजोगे वो मुझे डायरेक्ट भेजना, मेल के थ्रू मत भेजना. और फिर अपना नाम लिख दिया लेंचो. ये है ये लेसन, मतलब इनडायरेक्टली उसने ये नहीं देखा कि मेरी मदद किसने की है, उन्हीं को उसने, जिसने उसकी मदद की उसी उन्हीं को उसने बंच ऑफ क्रूक बोला है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, लेकिन हम जानते हैं इसमें वास्तविकता क्या है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.